मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम चांदपुरा कस्बे में अज्ञात शिकारियों की गोली से एक नील गाय का नर हुआ घायल। चांदपुरा कस्बा निवासी कन्हैया लाल लोधा व कालू लाल लोधा ने बताया कि आज सुबह जब वो अपने खेत की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने पहाड़ी के नजदीक एक नील गाय के नर को तड़पते हुए देखा। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग व पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दी। वहीं भाजपा के मंडल महामंत्री ललित गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर उक्त घटनाक्रम देखा तो उन्होंने देखा कि नील गाय के गोली लगी हुई है और जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। तभी वन विभाग अधिकारी के रेंजर अशोक चौधरी व पशु चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण बगौतिया भी मैं जाप्ते के मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन की सहायता से घायल नील गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सक द्वारा नील गाय के आगे के दोनों पैर से गोली पार होने से दोनों पैर टूटना बताया। वहीं नील गाय को उपचार के तुरंत बाद कोलूखेड़ी मलियान स्थित नर्सरी में भेजा गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। वहीं मामले को लेकर वन विभाग के रेंजर अशोक कुमार चौधरी के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इस दौरान जुग्राण मीणा वन कर्मी राजू चौधरी, गोर्धन लोधा, श्री कल्याण सहित कई लोग मौके पर मौजूद थे। R9 भारत के लिए अखलेड़ा झालावाड़ से भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। अनुसूचित जनजाति में आने वाले समाज को आजादी के 70 वर्ष पूर्व से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भील समाज की स्थिति दयनीय है। वास्तव में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का पूर्ण लाभ अन्य समाज को मिल रहा है। इससे भील समाज को पृथक से आरक्षण दिया जाने की मांग को लेकर 14 मार्च से छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार भील, रणजीत भील, ललित भील, रामकृष्ण अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन कर रहे अरविंद कुमार भील ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। वास्तव में अभी तक भील समाज की स्थिति ठीक नहीं है। आज अनुसूचित जनजाति के अधिकतर आरक्षण का लाभ अन्य समाज को मिलता चला आ रहा है। जब तक भील समाज को अलग से आरक्षण नहीं होगा तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। रिपीट, इस अवसर पर आरक्षण संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष जमुना लाल भील, पूरण सिंह भील, नंदलाल भील, जुझार सिंह भील, फूल सिंह, महेंद्र सिंह, मुकेश भील, लोकेश भील, रविकांत, भगवान सिंह भील, तारू सिंह भील, तेजपाल, हेमराज, दशरथ आदि उपस्थित रहे। किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है? आज जो हमारा जो ये आमरण अनशन है, प्रदर्शन है, वो कुछ हमारी मांगे हैं वो निम्न प्रकार है कि जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है 12% जो आरक्षण दिया गया है उसमें से 12% आरक्षण ही एक विशेष समाज मीणा समाज इसका फायदा उठा रही है और जो बाकी जो जातियां हैं उन्हें उसका कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जो 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले जो वो समाज थी, भील समाज थी, आज 70 साल पूर्व भी उनकी वो की वही स्थिति है। हमारी जो विभिन्न मांगे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12/7/2019 को राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी, उस रिपोर्ट को लागू किया जाए। और जैसा कि बारा जिला के जो शाहबाद किशनगंज में रहने वाले सहरिया जनजाति है उन्हें जनजाति कोटे के अलावा भी विशेष अधिकार, विशेष आरक्षण दिया गया है, उसी प्रकार से भील समाज को भी विशेष आरक्षण दिया जाए। और राजस्थान सरकार भील समाज को अलग से आरक्षण नहीं दे रही है, परंतु मैं बताना चाहूँगा कि गुजरों सहित जब 5 जातियों को अलग से 5% आरक्षण दे सकते हैं तो भील समाज सहित मीणा समाज को छोड़ के अलग से आरक्षण क्यों नहीं दे सकते। चौथी हमारी जो मांग है कि मूल आरक्षण में से 12% में से 6% आरक्षण हमें दिया जाए। और पाँचवीं हमारी मांग है कि हरियाणा सरकार की जो तर्ज पर अनुसूचित जनजाति में ए और बी दो उपवर्ग बनाए जाए। और छठी हमारी जो मांग है वो है कि आज अनुसूचित जाति को विद्युत विभाग में आरक्षण प्राप्त हो और उन्हें 2.5 से 3 महीने 4 महीने में कृषि कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन आज भी जनजाति समाज को बिल्कुल जनरल कोटे में रखा गया है। और हमारी सब ये महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि कृषि कनेक्शन में हमें जो विद्युत विभाग है उनमें हमें आरक्षण दिया जाए और हमें भी जनजाति वो अनुसूचित जाति की तर्ज पे ही 3 से 4 महीने में कृषि कनेक्शन उपलब्ध हो। R9 भारत के लिए अखलेरा झालावाड़ से भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट।